अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबिया करीम और आज हम बना रहे हैं मूंग की दाल। ये मूंग की दाल उन लोगों के लिए हैं जो लोग डाइट पे होते हैं। आप इन्हें बॉयल राइस के साथ भी खा सकते हैं और एक छोटी सी रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो चलें अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। मूंग की दाल बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे हाफ प्याज, जिसे हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे, दो मीडियम साइज के टमाटर जिन्हें हमने बारीक बारीक काट लिया था, अगर आप चाहें तो इन्हें ग्राइंड भी कर सकते हैं, दो से तीन अदद हरी मिर्च जिन्हें मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था, एक अदद लेमन। स्पाइसेस में हमें चाहिए होंगे हसबे ज़रूरत नमक, हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च, वन टेबल स्पून सूखा धनिया, वन टेबल स्पून ज़ीरा और हाफ टेबल स्पून तकरीबन हल्दी। मैंने तकरीबन एक कप मूंग की दाल ली थी और उसे अच्छे से साफ करके 10 से 15 मिनट के लिए पानी में भिगो के रख दिया था। अब एक पतीली में तकरीबन 2 गिलास पानी डालेंगे। और उस पानी में टमाटरों को ऐड कर देंगे। और प्याज भी डाल देंगे। अभी हम हरी मिर्च और लेमन को नहीं डालेंगे। अब तमाम स्पाइसेस को भी इसमें ऐड कर देंगे। मूंग की दाल से पानी को खत्म करके मूंग की दाल को भी ऐड कर देंगे। और एक बॉयल आने तक इसे ढक्कन ढांप कर मीडियम फ्लेम पर रख देंगे। देखिए हम दाल में एक बॉयल आ गया है। अब हम इसमें चम्मच को हिलाएंगे और फ्लेम को लो कर देंगे। एक बॉयल आने के बाद ढक्कन को फुल नहीं ढांपना, इस तरह से हाफ ढांपेंगे। एक से दो बॉयल आने के बाद इस तरह से इसके टमाटरों को चम्मच की मदद से पीस लेंगे। अगर आप चाहें तो टमाटरों को कद्दूकस करके या ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें लेमन को ऐड कर देंगे। अगर आपको पानी कम लगे तो आप पानी को और भी डाल सकते हैं। और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसमें कोई ऑयल या घी को शामिल नहीं करेंगे क्योंकि ये उन लोगों के लिए होती है जो लोग डाइट पे होते हैं और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी मील है। फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और हम दाल को चेक करेंगे। अगर दाल गल गई होगी तो हम तेज़ आँच पर पानी को खुश कर लेंगे। हमारी दाल अभी कच्ची थी इसलिए हम इसे लो फ्लेम पर पकने देंगे। और इस तरह से चम्मच को हिलाते रहेंगे। अब हम फिर दाल को चेक करेंगे 5 से 7 मिनट के बाद। देखिए टमाटर भी बिल्कुल मैश हो गए थे, दाल बिल्कुल अच्छी तरह से गल गई थी। दाल में पानी बिल्कुल खुश्क हो गया था इसलिए शोरबे के लिए तकरीबन हम हाफ कप पानी डालेंगे और एक से दो बॉयल आने देंगे। एक से दो बॉयल के बाद हम इसमें हरा धनिया डालेंगे और हरी मिर्चों को भी ऐड कर लेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। गरम मसाला ऑप्शनल है, अगर आपको गरम मसाला नहीं पसंद तो आप ना ऐड करें। आप काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। हमारी मूंग की दाल तैयार है बिल्कुल। अब हम इसे सर्व करेंगे। हम इसे ढेर सारे सलाद के साथ और रोटी के साथ खा सकते हैं। अगर आप चाहें तो बॉयल राइस के साथ भी खा सकते हैं। ये दाल वेट लूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। आप इसे सूप की तरह भी खा सकते हैं।
इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।